नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 67 तक के जो सेक्टर गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर लगते हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और उनको समझेंगे जानेंगे। ये हमारी गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 के रिलेटेड में थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो हमने फेज वन सेक्टर 1 से लेकर 23A, सेकेंड वीडियो हमने डिस्कस किया था 24 से लेके 57 सेक्टर तक। तो आज ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर 58 से लेके 67 सेक्टर तक, जो कि एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर डेवलपमेंट को समझेंगे, किस हिसाब से डेवलपमेंट बनाएगी, पुरानी डेवलपमेंट और नई डेवलपमेंट के अंदर क्या अंतर है। तो दोस्तों जब एक्सटेंशन रोड को बनाया गया था, जिस टाइम पे इसकी लैंड की रिक्वायरमेंट की गई थी, तो 2010 के आसपास गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड को नक्शे में लिया गया, यानी प्रॉपर तरीके से इसमें डेवलपमेंट को रेडी करने के प्लान दे दिए गए थे। और इसमें जो नए सेक्टर की जो डेवलपमेंट हुई थी वो 2010 के बाद ज़्यादा बूम में आने लगी, तो इसका काम स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। एक्सटेंशन रोड अगर देखें तो ये कनेक्टेड होता है आपका गोलकोस्ट रोड से और साथ में कनेक्टेड हो जाता है आपका प्रॉपर सोना रोड, फिर नेशनल हाईवे NH8। आइए दोस्तों इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और अगर आपने पुरानी दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वो जरूर देख लें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 67A तक। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम रोड्स की कनेक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंशन रोड आफ्टर गोलकोस्ट रोड के बाद बनाया गया था। जो गोलकोस्ट रोड है वो नेशनल हाईवे NH8 यानी साइबर सिटी से लेके आपका घाटा गांव, यहाँ पे टी पॉइंट बनता है, और यहाँ से फिर गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड का नाम दिया गया था, क्योंकि 2010 में डेवलपमेंट की एक लिस्ट में गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड का नाम था, तो उसके बाद इसमें काम शुरू हो गया। उसके बाद देखें गोलकोस्ट एक्सटेंशन रोड वाटिका चौक, जो जिसको हम बादशाहपुर की रेड लाइट भी बोलते हैं, यहाँ पे हिट करता है, और ये रोड सीधा SPR रोड ये कनेक्ट हो जाता है नेशनल हाईवे NH8। यानी जो दिल्ली की साइड से जो यहाँ पे जो भी ट्रैफिक होता था उसको आउटर करने के लिए एक्सटेंशन रोड पे प्रीमियम डेवलपमेंट की गई, फिर आपकी आगे SPR रोड टू कनेक्ट नेशनल हाईवे NH8। तो इसमें आउटर देने, क्योंकि एकमात्र रोड था स्टार्टिंग में जब गुड़गांव को डेवलपमेंट करने का प्लान था स्टार्टिंग में, तो नेशनल हाईवे NH8। नेशनल हाईवे NH8 पे कमर्शियल एक्टिविटी साइबर सिटी हो गई। उसके बाद जब नई डेवलपमेंट की गई तो गोलकोस्ट रोड को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट में लेके आए कि अलग से एक रोड ऐसा बना जाए और उसके ऊपर ये डेवलपमेंट की गई, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो रेट थी, डिमांड थी, और ज़्यादा सप्लाई आने लगी बाजार के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो डेवलपमेंट जो थर्ड है जिसमें सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 सेक्टर तक, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव किए गए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, यहाँ पे सीवरेज लाइन को मजबूत किया गया, यहाँ पे रोड्स हैं उसको वाइड किया गया, कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि हम एक्सटेंशन रोड की अगर बात करते हैं, तो एक्सटेंशन रोड V2E ये कितने मीटर वाइड रोड है, ये आपका V2E ये वाला जो पार्ट आता है एक्सटेंशन रोड 90 मीटर वाइड रोड है, 30 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है बोथ साइड, ठीक है। यानी 30-30 मीटर की तो ग्रीन बेल्ट दोनों साइड आपकी आएंगी और 90 मीटर वाइड रोड रहेगा, यानी ये टोटल 16 लेन हाईवे है और ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है फरीदाबाद से, यानी इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट फरीदाबाद, अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो तो दिल्ली भी जा सकते हो, सोना जा सकते हो, बाई SPR आप नेशनल हाईवे NH8 जयपुर, ये कनेक्टिविटी इसमें दे दी गई। अगर हम देखें जो इंटरनल जो सेक्टर थे, तो थर्ड डेवलपमेंट में जब सेक्टर 58 और 115 तक का डेवलपमेंट की गई, तो यहाँ पे जो सेक्टर देख रहे हो जितने भी सेक्टर हैं ये V2 ये 60 मीटर वाइड रोड है, यानी डिवाइडिंग जो रोड है वो आपके 60 मीटर रोड है। और जो फेज 2 के अंदर अगर देखें V3 ये 30 मीटर रोड है, यानी जो डिवाइडिंग जो रोड थे वो 30 मीटर थे, क्योंकि नहीं पता था कि इतनी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, इतने लोग यहाँ पे आएंगे, IT का इतना ज़्यादा क्रेज होगा। तो जैसे जैसे लोग आए ट्रैफिक बढ़ती गई, आज देख रहे हो कि गुड़गांव के अंदर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि पुरानी डेवलपमेंट में अगर यही चीज़ें हम 58 से 115 तक की चीज़ें देखें तो यहाँ पे वाइड रोड कर दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे रोड्स हैं, जितने भी डिवाइडिंग रोड हैं
सबको 60 मीटर वाइड रोड कर दिया गया। ये रोड एक्सटेंशन रोड आपका 90 मीटर आ जाता है और इंटरनल जो रोड है डिवाइडिंग जो सेक्टर के चारों तरफ है वो 60 मीटर वाइड रोड है और इनके अंदर के जो रोड है वो 24 मीटर रोड है। अगर आप इन सेक्टरों के अंदर के रोड देखेंगे तो 12 मीटर है, 18 मीटर है, 9 मीटर के रोड भी हैं कई जगह। तो इसमें छोटे रोड थे, भीड़े रोड थे, तो उस टाइम इतने नहीं पता था। तो उसके बाद देखें तो ये तो था रोड की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रोड के ऊपर देखा गया। दूसरा है कि जिन रोड के जो सेक्टर जो रोड के साथ लगते हैं मेजर रोड के साथ, उनके फ्रंट में 200 मीटर की जो कमर्शियल बेल्ट है वो दे दी जाए, यानी सेक्टर 62 आपका 65 और 66 में 200 मीटर की एक्सटेंशन रोड के ऊपर ये कमर्शियल बेल्ट आ गई। जो ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं ये आपका कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी इसमें रेजिडेंशियल नहीं बनेगा, सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज होगी ताकि सेक्टर के अंदर जो ट्रैफिक है उसका बर्डन कम हो सके, यानी आपकी एक्सेस इससे भी हो जाएगी, इस सेक्टर से भी हो जाएगी, हर सेक्टर की कनेक्टिविटी हो और मेजर एक्सटेंशन रोड तो है ही साथ में। V2 60 मीटर वाइड रोड। उसके बाद देखा जाए जो ये कलर है आपके येलो कलर है, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर है। लेकिन एक बदलाव था इस फेसिस के अंदर, वो ये था कि जब ये डेवलपमेंट की गई थी, जमीन को एक्वायरमेंट की गई थी, तो हुड्डा ने यहाँ पे खुद की टाउनशिप डेवलप नहीं की। यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट आई सारी की सारी प्राइवेट डेवलपर के द्वारा आई। यहाँ पे जितने भी आप डेवलपमेंट आज के टाइम में देखेंगे वहाँ सारे के सारे प्राइवेट डेवलपर दिखेंगे, यानी हाई राइज कंसेप्ट आपको दिखेगा, प्लॉटिंग की कंसेप्ट आपको दिखेगा, बिल्ड फ्लोर आपको दिखेंगे, ये सारे के सारे गेटेड कम्युनिटी देखी जाएगी। यानी जब सेक्टर 1 से लेकर 57 तक की देखी गई तो यहाँ पे जो सेक्टर के अंदर जो बिल्ड फ्लोर है वो सारे के सारे ओपन थे, गेटेड नहीं थे। तो इस कंसेप्ट के अंदर गेटेड टाउनशिप की डिमांड आई, तो गेटेड के रूप के अंदर यहाँ पे ये डेवलपमेंट शुरू हुई और हुड्डा ने खुद की टाउनशिप यहाँ पे डेवलप करना बंद कर दी गई। यहाँ पे हुड्डा ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई हम है ना सिर्फ आप लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत करके देंगे, वो रेडी करके देंगे, आगे की आगे डेवलपमेंट खुद डेवलपर करेगा। ठीक है, आप एक्सटेंशन रोड के ऊपर देखेंगे तो जैसे M3 MIRU बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल उन्होंने बनाया, कमर्शियल वहाँ पे हैं, SU प्लॉट्स यहाँ पे हैं। उसके साथ गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया भी साथ में हम रेजिडेंशियल में कमर्शियल तो दे ही रहे हैं, कमर्शियल के साथ साथ हम कुछ एजुकेशनल और आपके ओपन स्पेस हर सेक्टर के साथ हम देंगे। यानी जो सेक्टर 64 है ना, ये इसका आधा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ओपन है। जो मेदावास जो गांव है यहाँ पे क्या स्टेडियम, गोल्फ या पार्क इस टाइप की चीज़ें आएंगी, ये सारी सेक्टरों की एक एक इंटरनल चीज़ें हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि हर वीडियो की हम हर सेक्टर की हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद देखें जो 64 का हाफ जो सेक्टर है यहाँ पे हर प्रकार के कॉलेज आने हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आएगा आपका, जो ITI है ITI की ब्रांच यहाँ पे आएगी। तो एजुकेशनल और ओपन एरिया साथ के साथ दिया गया, क्योंकि जो पहले जो सेक्टर थे उसके अंदर आप देखोगे हर सेक्टर के अंदर आपको 2-3 पार्क आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पार्क नहीं मिलेंगे ऊपर। उसके लिए प्रॉपर एक सेक्टर बना दिया गया कि इसी सेक्टर के अंदर हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, पार्क भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक्सटेंशन रोड पे ओपन स्पेस सिर्फ 64 सेक्टर के अंदर आता है। उसके बाद एक और आउटर देने के लिए कि भाई एक्सटेंशन रोड के ऊपर और ज़्यादा दबाव ना पड़े, तो हम क्या करते हैं कि एक्सटेंशन रोड है यहाँ से हम एक रोड निकालते हैं, ये वाला जो रोड है सेक्टर 58 के ऊपर से, और उसके बाद सभी जो सेक्टर है एक्सटेंशन रोड के ऊपर से एक एक्स्ट्रा और रोड निकालेंगे, ये वाला, ये रोड सीधा एक्सटेंशन रोड पे सोना रोड पे मिल जाएगा। उसके बाद सीधा आपका अरावली की शाखाएं से होता हुआ हम इसको कनेक्ट कर देंगे सीधा NH8 के, नेशनल हाईवे NH8 मानेसर के ऊपर से होता हुआ रिवर इसमें सेक्टर 79B को कनेक्ट करता हुआ, क्योंकि इस वाले जो सेक्टर की कनेक्टिविटी इसमें आ जाएगी, यहाँ का ट्रैफिक इधर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी अरावली शाखाएं हैं इसके अंदर से। इस वाला जो SPR रोड पे ये वाले जो सेक्टर हैं इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ वाला भी ट्रैफिक इसके अंदर चला जाएगा। तो ये रोड कितना है V2E अगर हम देखें तो V2E ये भी 90 मीटर वाइड रोड है, यानी ये भी रोड काफ़ी वाइड है। उसके ऊपर अगर हम देखें एक चीज़ और इसमें देखने लायक है कि इस कनेक्टिविटी को और सुपरफास्ट कैसे बनाया जाए,
इसको सुपर फास्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सोना के लिए भी कोई कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेक्टर हैं ये भी फुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये सेक्टर 62-65 के जो बीचों बीच जो रोड आ रहा है, ये इसमें तो कनेक्ट हो ही रहा है, इसके आगे ये वाला जो रोड है आगे सोना को कनेक्ट हो रहा है, प्रपोज्ड लिंक टू सोना, जहाँ पे डीएलएफ ने अभी आर्बर बनाया था वो इस कोने पे, तो आर्बर के सामने से ये रोड जा रहा है बिल्कुल सीधा स्टेट सोना। ये रोड एक्सटेंसर रोड के सेक्टरों के बीच में तो है 60 मीटर रोड, इसके आगे अगर देखें तो ये 90 मीटर रोड हो जाता है, यानी सोना तक ये 90 मीटर रोड है और ये जाके कनेक्ट हो जाता है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर, और सोना के बीचों बीच निकलते हैं जो सेक्टर जो अंदर वाले हैं उनके अंदर भी जाके ये हर सेक्टर को कनेक्ट करता है, जैसे ये एक्सटेंसर रोड पे कनेक्ट कर रहा है वैसे ही सोना के अंदर ये जाके कनेक्ट करेगा। तो एक आपकी कनेक्टिविटी सोना के लिए तो ये होगी जो आज रनिंग है, दूसरी कनेक्टिविटी ये जो पैरेलल चलेगी, यानी सोना को कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो कनेक्टिविटी आपके सामने आएगी, एक्सटेंसर रोड से और सीधा राजीव चौक से। उसके बाद क्या किया था कि ये जो सेक्टर हैं ये वाले, इसके साथ साथ 200 मीटर की और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशनल जो बेल्ट है वो ये बना दी गई। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 200 मीटर की ही आती है और यहाँ पे 172 मीटर की यहाँ पे बेल्ट आती है, जिसके अंदर सिर्फ पब्लिक एरिया आएगा, यानी पब्लिक यूटिलिटी एजुकेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पब्लिक यूटिलिटी के लिए, कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ भी ऐसे मॉल आ सकता है जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बनाएंगी। यानी फ्रंट में तो हो गया एक्सटेंसर रोड के साथ साथ आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़, अंदर हो गए रेजिडेंशियल, फिर इस एरिए के अंदर दे दिया ओपन स्पेस, फिर एजुकेशनल, और साथ में उसके बाद सेक्टर 67 के पास जो सोना रोड लगता है वहाँ पे 200 मीटर की बेल्ट, कमर्शियल बेल्ट 67, जिसमें आज डीएलएफ ने अपने SCO हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके एक्सटेंसर रोड की रीडेवलपमेंट की। रीडेवलपमेंट में क्या था कि अभी एक्सटेंशन जैसे कि यहाँ से शुरू होता है सेक्टर 58 से गोलकोस्ट रोड से, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, टोटल 5 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, एक यहाँ बनाया जाएगा, दूसरा पाइनर पार्क, तीसरा यहाँ पे स्प्लेंडर, और चौथा फिर पांचवा आपका यहाँ पे सोना जो वाटिका चौक है उसके नीचे से आपका अंडरपास ऑलरेडी बना हुआ है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 फ्लाईओवर और छठा आपका यहाँ पे अंडरपास जो कि रनिंग हो चुका है। तो ये डेवलपमेंट होगी, और जैसे आज आप गोलकोस्ट रोड जो देख रहे हैं रेड लाइट फ्री है, रेड लाइट आपको इस रोड के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, यानी सीधा कनेक्टिविटी हो आपकी साइबर सिटी से, आपकी सोना रोड, आपकी एक्सटेंशन रोड और एक्सटेंशन रोड के इंटरनल सेक्टर्स की। एक्सटेंशन रोड के एक साइड तो आपकी न्यू डेवलपमेंट है, दूसरी साइड आपकी ओल्ड डेवलपमेंट है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा हुड्डा के अंदर और ओल्ड डेवलपमेंट के पार्ट के अंदर आता है, ये सारा का सारा न्यू डेवलपमेंट के अंदर आता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम बताना भूल गए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो सेक्टर 59 है, 59 के अंदर IT सेज है, यानी यहाँ पे तकरीबन 60 से 65 एकड़ के अंदर IT सेज है, स्पेशियल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग है सेज की, और वहाँ पे बड़े बड़ी प्लेट हैं आपकी जो कमर्शियल स्पेसिज हैं, यानी MNCs कंपनी पूरा फ्लोर ले लेती है उनके लिए वो स्पेस है, और ये सारा का स्पेस आपका अरावली के बिल्कुल बगल में पड़ता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है, जो ये वाला जो रोड जा रहा है इसके इस वाले फ्रंट के ऊपर ये सारी की सारी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। तो इस एरिए के अंदर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने की वजह से यहाँ पे रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी के दाम यहाँ पे बढ़ने के ज़्यादा आसार है, और यहीं से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी डायरेक्ट सोना, यानी आने वाले टाइम में अंदर अगर ये रोड वगैरह प्रॉपर रेडी हो जाएंगे तो सोना को मल्टी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सोना का प्लस एक्सटेंशन रोड और साइबर सिटी का, क्योंकि फ्यूचर के अंदर लोग इन्वायरमेंट परचेज करना पसंद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम SPR रोड को समझेंगे, SPR रोड के इन आसपास के जो भी सेक्टर हैं डेवलपमेंट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो एक्सटेंसर रोड की अगर हम लेंथ की बात करें तो लमसम 8 किलोमीटर की टोटल एक्सटेंसर रोड की लेंथ आती है, और ये आपकी 16 लाइन आपका हाईवे है, और इसके ऊपर रीडेवलपमेंट और मेट्रो जो रैपिड मेट्रो का फेज 2 का प्लान एक्सटेंसर रोड से है। तो दोस्तों आपने
समझा इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक्सटेंशन रोड के सेक्टर्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।